सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है, तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकाल कर फेंक दें। अब शक्तिपाद दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करें या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। सिंह कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। अरे उसका मानसिक जप करना, समझे समझे वो मंत्र बता दो। एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा उसका होता है। एक शब्द क्लिंग शब्द क्या था, लय में मिला हुआ, बड़ी एक ही मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लिंग गा, गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो या स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। अभी मने मन बोल के देखो, अंग बोलो या स्ट्रोक लगता है। इसमें क्लिंग बार बार आया, अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में। तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व तो शामिल नहीं होगा और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व तो है, सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया गुरुदेव की लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। कल जिस पूज गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से कल जिस लेख को हम पढ़ रहे थे, उसका शीर्षक है पूर्व जन्म और पूर्वाभास का सत्यापन संभव है। आज इस दिव्य लेख का शेष अंतिम भाग पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कंटिन्यूटी के लिए चार लाइनों को रिपीट कर रहा हूं। जय गुरुदेव।
पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, हिंदू दर्शन के अनुसार मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक माया का क्षेत्र है, यानी अन्नमय कोश से विज्ञानमय कोश तक माया का क्षेत्र है। इसके ऊपर के तीन लोक, सत्य लोक, अलख लोक और अगम लोक, उस परम सत्ता के लोक हैं, यानी सत चित आनंद के लोक हैं। आज्ञा चक्र को भेदकर ऊपर उठते ही जीवात्मा माया के क्षेत्र से निकलकर आनंदमय कोश में प्रवेश कर जाता है। इसके साथ ही गीता और वेद में वर्णित अक्षय आंतरिक दिव्य आनंद की अनुभूति मनुष्य को होने लगती है। मेरे संत सदगुरुदेव ने उस आनंद को धरा पर अवतरित कर दिया है। जय गुरुदेव। अब आगे, मेरे संत सदगुरुदेव ने उस आनंद को धरा पर अवतरित कर दिया है, उन्हीं की कृपा से मैं उसकी प्रत्यक्ष रूप में अनुभूति कर रहा हूं। आध्यात्मिक दृष्टि से मुझसे जुड़ने वाले लोगों को भी इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति हो रही है, जो कि भौतिक जगत में सत्यापित हो रही है। इस संबंध में ईसाइयों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ बाइबिल भी वही कहता है जो हमारे ग्रंथ कहते हैं। संसार की उत्पत्ति के बारे में बाइबिल के संत जॉन 1:1-4 में कहा है, आदि में शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। वेद और गीता में वर्णित अक्षय दिव्य आंतरिक आनंद के बारे में बाइबिल में भजन संहिता 23:5 में कहा है, यह एक आंतरिक आनंद है जो सभी सच्चे विश्वासियों के हृदय में आता है। यह आनंद हृदय में बना रहता है, सांसारिक आनंद के समान यह आता जाता नहीं है। उसका आनंद पूर्ण है, वह हमारे हृदय के कटोरों को आनंद से तब तक भरता है जब तक उमड़ ना जाए। प्रभु का आनंद जो हमारे हृदयों में बहता है, हमारे हृदयों से उमड़कर दूसरों तक बह सकता है। आज संसार से वह दिव्य आनंद और दिव्य प्रकाश कहाँ चला गया? सभी धर्म जिस शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं, उसकी प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार असंभव क्यों हो गया है? संसार यथास्थिति चल रहा है, चारों कोश तो उपलब्ध हैं, परंतु तीन कोश सत चित आनंद गुम हो चुके हैं। जब तक उनकी उपलब्धि आम मानव के लिए सुलभ नहीं हो जाती, विद्या पर अविद्या का अधिकार रहेगा। भौतिक विज्ञान तामसिक वृत्तियों के अधीन रहकर उनके आदेश का पालन करेगा। जिस दिन भौतिक विज्ञान अपने जनक अध्यात्म विज्ञान के आदेश पर चलने लगेगा, महर्षि अरविंद के शब्दों में, धरा पर स्वर्ग उतर आवेगा। हमारे सभी संतों ने हरि नाम की महिमा गाई है। भगवान ने भी गीता में अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए 10:25 श्लोक में जप यज्ञ यानी नाम जप को सर्वोत्तम यज्ञ बताते हुए अपनी विभूति बताया है। बंगाल में जन्मे महान आत्मा चैतन्य महाप्रभु, प्रभु जगबंधु रामकृष्ण परमहंस तथा संत सदगुरु नानक देव जी तथा संत कबीर आदि सभी संतों ने हरि नाम को ही मोक्ष का साधन बताया है। संत सदगुरुदेव नानक देव जी ने नाम की महिमा गाते हुए कहा है, भांग दतूरा नानका उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। संत कबीर ने एक कदम और आगे बढ़कर हरि नाम की महिमा गाते हुए कहा है, नाम अमल उतरे ना भाई और अमल छिन छिन चढ़ी उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवायो।
जिस मयस यानी दिव्य आनंद की बात वेद करता है, जिसका गुणगान बाइबल में है, जिस अक्षय आनंद की बात भगवान ने गीता में की है, जिस नाम खुमारी और नाम अमल की बात सभी संतों ने की है, उसको प्राप्त करना ही आध्यात्मिक आराधना का उद्देश्य है। इसके अलावा सब आराधनाएं त्रिगुणमयी माया के प्रभाव क्षेत्र की हैं। स्वामी श्री विवेकानंद जी ने एक कदम और आगे बढ़कर कह डाला, अनुभूति अनुभूति की यह महती शक्तिमय वाणी भारत के ही आध्यात्मिक गगन मंडल से आविर्भूत हुई है। एकमात्र हमारा वैदिक धर्म ही है जो बारंबार कहता है ईश्वर के दर्शन करने होंगे, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति करनी होगी, तभी मुक्ति संभव है। तोते की तरह कुछ शब्द रट लेने से काम चल ही नहीं सकता है। स्वामी जी ने यह बात अनायास ही नहीं कही है, वे भविष्य दृष्टा थे। उन्हें बहुत अच्छी प्रकार ज्ञान था कि भारत आगे चलकर संसार में इन तथ्यों को सत्यापित करेगा। संतों की वाणी निरर्थक नहीं होती है। युग के गुणधर्म के कारण तामसिक वृत्तियों की प्रधानता होने से उस समय लोग उसे समझ नहीं पाते हैं। महर्षि अरविंद ने इस संबंध में जो घोषणा की है वह पहले के संतों की बातों को प्रमाणित करती है। महर्षि अरविंद ने उस परम तत्व को धरा पर अवतरित कराने के लिए अपने अमूल्य अमूल्य जीवन की आहुति दे डाली। वे अपने जीवन में ही सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गए थे। उस परम तत्व के धरा पर अवतरित होने के बारे में उन्होंने घोषणा की है। 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण अति मानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधिमानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अति मानस और आनंद के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण आनंदमय है। वे अति मानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास के मार्ग का समर्थन और संचालन करते हैं। उपयुक्त भविष्यवाणी नहीं है, एक सच्चाई के अवतरित होने की घोषणा है। श्री अरविंद के अनुसार वह परम सत्ता अपने क्रमिक विकास के साथ सारे संसार को आकर्षित करने लगेगी। मेरी प्रत्यक्षानुभूति के अनुसार वह सत्ता 1982 के प्रारंभ से प्रकट होना प्रारंभ कर देगी। 1992 तक वह भारत में काफी फैल जाएगी और आगे के 3 वर्षों में पूरे संसार में फैल जाएगी, क्योंकि अध्यात्म ज्ञान प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। इसमें उपदेश या ग्रंथ अधिक सहायक सिद्ध नहीं हो सकते। मुझे जो कुछ भी मिला उसमें उपदेश या ग्रंथ का 1% भी सहयोग नहीं रहा है। मुझे जो कुछ भी मिला उसमें उपदेश मुझे जो कुछ भी मिला उसमें उपदेश या ग्रंथ का 1% भी सहयोग नहीं रहा है। संत सद्गुरुदेव निराकार ब्रह्म के साकार स्वरूप होते हैं। उनकी कृपा के बिना इस जगत यानी अध्यात्म जगत में प्रवेश असंभव है। मुझे सन 1967 से 1982 तक विभिन्न प्रकार की आराधनाएं मजबूरी में फंसकर करनी पड़ी। आज तक जितनी आराधनाएं मैंने की और जो अब कर रहा हूं वह सब परिस्थितियों वश करनी पड़ रही हैं। प्रत्येक का नया परिणाम मिल रहा है। ईश्वर कृपा और गुरुदेव के आशीर्वाद के कारण पग पग पर दिशा निर्देश और पथ प्रदर्शन मिल रहा है। मैं एक साधारण गृहस्थी प्राणी हूं। मेरे जैसे नाचीज के माध्यम से यह सब होना
अपने आप में एक आश्चर्य और विचित्र बात है। मैं भी रजोगुण से अत्यधिक प्रभावित प्राणी हूं। आज भी वह वृत्ति मुझे रह रहकर अपनी तरफ आकर्षित करती है, परंतु मैं अनुभव कर रहा हूं कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे एक कदम भी उस वृत्ति की तरफ नहीं बढ़ने दे रही है। अतः मेरे माध्यम से जो शक्ति प्रकट हो रही है उसमें मेरी बुद्धि से किया हुआ कुछ भी प्रयास नहीं है। इस संबंध में मुझे किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। अतः मेरे माध्यम से जो शक्ति प्रकट हो रही है उसमें मेरी बुद्धि से किया हुआ कुछ भी प्रयास नहीं है। इस संबंध में मुझे किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। जो कुछ हो रहा है वह मेरे असंख्य गुरुओं की आराधना का फल है। मुझे मेरे परम दयालु संत सद्गुरुदेव की अहेतु की कृपा के कारण यह सब अनायास ही प्राप्त हो गया। मैं तो मात्र गुरु कृपा का प्रसाद बांटने संसार में अकेला ही निकल पड़ा हूं। मैं अच्छी प्रकार जानता हूं कि मैं करता नहीं हूं, इसलिए मुझे किसी प्रकार की निराशा भी नहीं होती। घाटे नफे का अधिकारी तो वही जगत सेठ है, मैं तो मात्र अपनी मजदूरी का ही अधिकारी हूं। जय गुरुदेव। इस प्रकार यह अध्याय आज पूर्ण हुआ। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। आज जितेंद्र जी गुरु भाई का टर्न था। जितेंद्र जी गुरु भाई सेशन से नहीं जुड़े हैं। सभी साथी गुरु भाई से अनुरोध है, अगर कुछ असुविधा ना हो तो मंच का संचालन करें। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। सुनील शास्त्री गुरु भाई। जय गुरुदेव। सुनील शास्त्री गुरु भाई जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए जब तक सुनील शास्त्री गुरु भाई जी आते हैं मैं ही मंच का संचालन करता हूँ। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मे श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के संस्थापक एवं संरक्षक भगवान श्री रामलाल जी सियागर कल्कि अवतार और दादा गुरुदेव की कृपा से चलने वाले इस सेशन में सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों का स्वागत है। हमारा इस सेशन प्रतिदिन गुरुदेव की कृपा से चलता है, जिसमें हम अपनी अनुभूतियों को शेयर करते हैं और हमारे साधना में नियमितता बनी रहती है, इसलिए हम लोग सभी इस सेशन से जुड़ते हैं। इस सेशन में हम लोग अपनी अनुभूतियों को शेयर करते हैं। कोई भी गुरु भाई हो गुरु बहन अपनी अगर कोई अनुभूति शेयर करना चाहे तो कृपया हैंड रेस करें, या कोई प्रश्न कोई जिज्ञासा कुछ गुरु प्रेम की बातें रखना चाहे तो हैंड रेस करें। जय गुरुदेव। मनोज कुमार साहू गुरु भाई ने हैंड रेस किया है। गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। आपको सबको आने वाला कॉल के लिए थोड़ा कुछ बताइए गुरु जी का अवतरण दिवस के लिए। यही बोला। जय गुरुदेव जी। आप कुछ बता दीजिए। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। कल 24 नवंबर है, हमारे सदगुरुदेव भगवान का अवतरण दिवस है, कल की अवतार का अवतरण दिवस है। मैं अनुरोध करूंगा बुद्धि जी गुरु भाई से इस विषय पर बताएं। जय गुरुदेव। बुद्धि जी गुरु भाई साहब। जय गुरुदेव। सभी को जानकारी है कि कल गुरुदेव का जो अवतरण दिवस है, तो जिनके लिए संभव हो वो गुरुदेव के आश्रम में जा सकते हैं। अध्यात्म ज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर कोटा बीकानेर बाड़मेर जाके भी जो है अगर संभव हो तो वहां जाके जो है शामिल होना चाहिए। दूसरी बात, जो नहीं जा सकते हैं मतलब संभावना यह है कि अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर से लाइव किया जाएगा, जो मोस्टली जो प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आश्रम क्या है कि पहले से जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं करता है, एंड में वो जो है मतलब लाइव करते हैं।
तो 10 या जो भी है 10 बजे 10:30 बजे वो आश्रम के यूट्यूब चैनल पे जो है ना गुरुदेव सियाग सिद्धि होगा GSSY जो यूट्यूब चैनल है उस पे लाइव होगा, तो अपन जो है जुड़ के और दर्शन कर सकते हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई, और सब लोग जो है अपने अपने घर पे गुरुदेव की पूजा अर्चना जो भी है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। चलिए आश्रम में होने वाले कार्यक्रम को हम लोग पिछली बार भी यूट्यूब के माध्यम से हम लोग सभी ने देखा था। जो लोग आश्रम नहीं पहुंच पाते हैं वो यहाँ से गुरुदेव की अवतरण दिवस के समारोह में घर बैठे ही लाइव शामिल हो पाते हैं, इसका बड़ा दिव्य अनुभव होता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। चलिए कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन और कुछ बातें रखना चाहे गुरुदेव के अवतरण दिवस पर, अपनी कोई अनुभूति शेयर करना चाहे तो स्वागत है। 24 नवंबर 1926 में हमारे गुरुदेव का जन्मदिन है, इस धरा पर अवतरण हुआ है। ऋषि अरविंद की भविष्यवाणी थी, ऋषि अरविंद ने बहुत साधना की अपने जीवन में साधना करने के बाद उनको ये रियलाइज हुआ कि मैंने वो उस अगम लोक तक पहुंचने का जो मार्ग है बड़ा ही कठिन है, साधारण मनुष्य उस तक पहुंच नहीं पा सकता है। तो उस आकाश तत्व को पृथ्वी तत्व मिलाने के लिए ऋषि अरविंद ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी। प्रार्थना के फलस्वरूप गुरुदेव का अवतरण हुआ है, और जैसे ही गुरुदेव को दोनों प्रकार की सिद्धि, गायत्री सिद्धि और कृष्ण की सिद्धि हो गई थी, इसी कारण से ही संपूर्ण मानव जीवन में, संपूर्ण मानव जाति में दिव्य रूपांतरण संभव हो पा रहा है। अदरवाइज अध्यात्म का क्षेत्र बड़ा ही दुर्गम क्षेत्र है। हम लोग इतने साल से गुरुदेव के आने के पहले 40 साल से भटक रहे थे, हाँ, लेकिन ईश्वर है कि नहीं है, विज्ञान हम लोगों को अलग किस्म से भगवान या ईश्वर के विरुद्ध कर देता है हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन गुरुदेव के आने के बाद ही हम लोगों को इस सत्य का आभास होता है कि ईश्वर है, गुरुदेव है, कुंडन भी शक्ति है। अदरवाइज हम लोग मने एक अंधकार में भटके हुए थे, कभी हम लोगों का विश्वास बढ़ता था, कभी डगमगा जाता था, कोई प्रूफ नहीं देता था, कोई एग्जैक्ट प्रूफ नहीं मिलता था। लेकिन गुरुदेव के आने के बाद केवल और केवल उस गुरुदेव के मुख से जब हम लोग संजीवनी मंत्र सुनते हैं और जब हमारे पीतर में ऑटोमेटिक योग शुरू होता है, तब हम लोगों को एहसास होता है कि नहीं, हमारे अलावा भी हमारे पीतर में वो दिव्य शक्ति है जो अलग है, मुझसे अलग है, हाँ, सर्व समर्थ है, सर्व व्यापक है, सब कुछ कर सकती है। इसका एहसास केवल और केवल गुरुदेव के मुख से एक क्षण के लिए संजीवनी मंत्र सुनने मात्र से ही हो जाता है। चलिए विक्रम सिंह गुरु भाई ने हैंड रेस किया, गुरु भाई का स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई बोलियो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई जय गुरु भाई। आज का मेरा एक अनुभव है और अनुभूति भी है छोटी सी, मैं शेयर कर सकता हूँ? जी जी जी। बड़ी दिव्य भी है अपने आप में। कमर में दर्द हो गया भैया अचानक, और वो दर्द तो कल बदना था, लेकिन आज खाना खाने के बाद जब मिल लेटा थोड़ा तो वो है ना कमर में तकलीफ हुई। अब वो कमर में तकलीफ होती थी तो दिन दो दिन तीन दिन तो बड़ी दिक्कत होती थी पहले, तो वो दिमाग में वो दर्द की बात नहीं गई, वो जे गई कि सेशन में कैसे बैठ पाऊंगा आर एक डेढ़ घंटे विक्रम पटेल अगर कमर में दर्द बढ़ गया। तो गुरु याद आया, हमने कहा गुरु भगवान इसको पीड़ा को अभी तो देव, अभी तो लेटा हूं मैं, लेकिन वो मेरे सेशन के समय ठीक हो जाने चाहिए। गुरु बस मांग इतनी थी, क्या बताऊं भैया, जब तक लेटा रहा दर्द बहुत ज्यादा रहा, भजन चलता रहा, मैंने भजन उसी ढाई से शुरू कर दिया, कंटिन्यू बिल्कुल कंटिन्यू। अभी जब मैं बैठा ध्यान करने के पहले भी अपन बैठ जाते हैं ना, इस चीज सुनते हैं गुरु भगवान की, तो ये क्रिया शुरू हो गई, कौन वादी हो गई ऐसा पूरा जो है ना जो कभी होती है पूरा, और फिर वो ऐसे उल्टे तरफ में और पूरे पैर उठने लगे, और जैसा वो नांग कभी खड़ा होता है ना तो ऐसा 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 होता है, तो वैसा शरीर होने लगा ऑटोमेटिक, और मुझे आधा हो से आधा नहीं। उसके बाद दर्द तो गायब पहले ही, और एक डेढ़ घंटा बैठे हो गए, मतलब एक घंटा तो हो ही गया, अभी एक दस
ये घंटा था। गुरु के ऐसे चमत्कार है। फिर क्या हुआ अभी ध्यान के दौरान, यहाँ पर यहाँ आज्ञा चक्र में सहस्त्रार में पूरे में गुरुदेव का सिंहासन बना हुआ है, गुरु भगवान बैठे हुए, भजन चल रहा है कंटिन्यू, कभी रुक भी जाता है। तो बस मैं करुण प्रार्थना करता है गुरुदेव जी, मंत्र ना रुके भगवान, ये तो चलता ही रहे कंटिन्यू, कंटिन्यू चलता ही रहे। बस वो करुण प्रार्थना निकल रही थी, गुरु भगवान आप तो है आज्ञा चक्र में और दर्शन दे रहे, लेकिन मेरा मंत्र भी चलना चाहिए गुरु भगवान। तो भैया वो बताने का तात्पर्य मेरा ये कि वो दर्द का पता ही नहीं लगा कहाँ गया, अब छूने से भी नहीं समझ में आ रहा। नहीं सही में बड़ा आसान था और मुझे दवा का वही एक ही बात गई। मैंने कहा यार सेशन में एक डेढ़ घंटे कैसे बैठ पाऊंगा मैं, गुरु भगवान अगर ये दर्द बढ़ गया। तो वो भगवान ने मेरी हृदय से पुकार जो करो तो परमात्मा जगदीश्वर जरूर सुनता है, उसको जरूर सुनता है भैया। बहुत ढेरों अनुभव हैं ऐसे तो बड़े, है ना। तो भगवान से वही हृदय से बात, अब जैसे अपन ना पहुंच पाए जन्मोत्सव में कोई बात नहीं, घर में अपन केक बुलवा लें, जैसा अपन अपना मनाते हैं अपने गुरु का वैसा तो मनाए अपने, है ना। बहुत सी अच्छी अच्छी केक मिलती है जिनमें अंडे का उपयोग नहीं होता, शादी बनती है या घर में भी बना सकते हैं। तो जरूर करना चाहिए गुरु भगवान का, अच्छा सजा के अपना ही अपना ही अपना घर ही को अपना आश्रम बना लेना। हमारे गुरु भगवान तो घर में आते ही है। तो मेरे सभी गुरु भाई बहनों से विनती है कि अगर ना जा पाए, जाए तो बहुत अच्छा है, जिसके सुलभ में हो ना हो, हम लोग दूर है जैसे, हम अपने लिए तो उसको ले ही बता रहा है को हृदय मन मंदिर में हम अपने गुरु को बिठा के और उनका स्वागत सत्कार करें, बहुत लाभ अपनी 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 जो ये सिद्धि हो गया ना अंदर से खुल दे कहा है, तो अपने हृदय में अपन उसको विराजे और एक से एक फूल गुलाब लगाए ना वहां बैठ जाओ भैया। अगर झांकी बना तो बहुत सुंदर झांकी, अपन तो नहीं बना सकते, वो गुरु भगवान दिखाता है, है ना। ऐसे अनुभव किए है ना आपने भी जी जी जी। अपन तो एक सिद्धि मात्र है, गुरु का तो भव्य दरबार है। अपन एक सिद्धि बन जाए, एक मजबूत सिद्धि बन जाए कि जे में कोई पैर धर के और उसमें है ना अपन इतना कर सके गुरु भगवान के लिए, तो बड़ा धन्य समझते हम तो अपने आप को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बहुत सुंदर बातें विक्रम सिंह गुरु भाई ने बताई। हम लोग अपने घर बैठे ही जो आश्रम नहीं जा पाते हैं, घर बैठे ही एक तो अलग से गुरुदेव की पूजा स्पेशल पूजा कर सकते हैं। अपना अपना भाव है, गुरुदेव बोलते हैं अंतर मन से जुड़ना है, अंतर मन से गुरु के प्रति सद्भाव समर्पण और प्रेम रहता है तभी जाकर हमारी ये यात्रा अच्छी तरह से चलती है। इसमें लेने देने का कुछ नहीं है, सद्भाव रहना चाहिए सारा जीवन गुरुदेव के प्रति। बोलिए। देखो ना भैया वो कमर का दर्द पता नहीं लगा यार भैया सही में, नहीं तो वो लेटे लेटे चैन नहीं पड़ रही थी। मैं कैसे लेटा होऊंगा, आज लेटा हुआ था मेरी आत्मा जानती, लेकिन मेरा वही था गुरु भगवान कैसे बैठ पाऊंगा सत्संग में, और एक डेढ़ घंटे कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब अब तो जो कुछ थी वो भी खत्म हो गई। अभी शेयर करने से पहले तक थी, अभी शेयर करने से पहले तक थी। यस यस। और अब शेयर की तो बिल्कुल समाप्त हो गई, बिल्कुल समाप्त हो गई। मैं गुरु घर के सामने बैठ के बता रहा, बिल्कुल पीड़ा नहीं है अब, ये दबाने से नहीं महसूस हो रही कहां नहीं, बड़ी असहनी पीड़ा भैया। कुर्सी में भी नहीं बैठ पा रहा था मैं, सच्ची में लेट नहीं पा रहा था सहज में बस, लेकिन तलाक से वही बात याद आई थी, गुरु भगवान में सहसन कैसे होगा यार मेरा टाइम। तो गुरु भगवान ने देखो करोड़ पुकार कितनी सुनी भैया, ऐसे हैं समर्थक गुरु, कितनी मेहमा करूं इनकी, कैसे कैसे बड़वारी करूं, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है भैया। भगवान yes. सुन और मैं बता रहा, मैं अपना दर्द सही में बता रहा, मेरा दर्द देखो केवल क्षण में दूर कर दिया गुरु भगवान। कितना ले लेते हैं मनुष्य का, पूरे दर्द पीड़ ले लेते हैं भैया, पूरा दर्द हर लेते हैं ऐसे सदगुरु भगवान से मेरी करुण प्रार्थना है कि सभी गुरु भाई बहनों के कष्ट हरे, परमात्मा हे परम पिता जगदीश और सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाना प्रभु, सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाना। जय गुरुदेव, जय दा गुरुदेव। गुरुदेव तो दर्द बहुत सरलता से हर लेते हैं, केवल प्रार्थना और मंत्र जाप और समर्पण सद्भाव के बल पर। शांति जी गुरु बहन का स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। शांति सिंह जी गुरु भाई गुरु बहन स्वागत है। जय गुरुदेव। बोले गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव भाई जी, सभी बहन भाइयों को। तो ये जो आवाज आ रही है। हाँ आ रही है गुरु बहन। जय गुरुदेव।
मेरा एक थोड़ा सा सवाल था, जैसे ध्यान में जो मरे हुए लोग दिखते हैं उनका क्या होता, मतलब समझ में नहीं आते। जैसे ध्यान होता है तो ध्यान में दिख, पहले तो सासु मां दिखाई दी एक दफा, यस तो जय पूछना चाह रही थी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, इसका मतलब कोई बता नहीं सकता है गुरुबहन, किस कारण से दिखाई देते हैं। और हम लोग जैसे मेरी सिस्टर है नंदनी, उसको भी दिखाई देता है, तो दिखाते हैं ये सब। इसका कुछ आध्यात्मिक कारण क्या है इसका बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो गुजर गए हैं उनका भी दर्शन होता है, वो भी दिखाई देते हैं ध्यान में, ये भी मैंने देखा है मेरा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। चलिए, और मन से जुड़े हुए और सब गुरु भाई और गुरु बहन इस पर अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव। मनु, और किसी ने हैंड रेस किया है? जय गुरुदेव। मनोरमा गुरु बहन, जय गुरुदेव, स्वागत। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई, अभी की मैं अपने ध्यान की अनुभूति साझा करना चाहूंगी। जी जी। अभी जब मैं ध्यान में बैठी थी तो मुझे मतलब जैसे प्रकाश दिख रहा था, प्रकाश ब्लैक और जो व्हाइट प्रकाश होता है ना आकाश में जैसे झिलमिलाता रहता है, बहुत बहुत देर तक आज्ञा चक्र पे वो दिखता रहा। फिर वो प्रकाश जैसे वो जो ब्लैक प्रकाश था वो गुरुदेव का जैकेट बन गया, व्हाइट प्रकाश है गुरुदेव का कुर्ता बन गया, मतलब गुरुदेव में इमेज में बदल गया। फिर वो एक पुष्प बन गया, फिर वो पुष्प जो ना एक लाइट जिसमें सारे कलर्स होते हैं, वो कभी लेफ्ट आई की तरफ जाए वो प्रकाश, फिर राइट की तरफ जाए, ऐसे बहुत देर तक कभी इधर और कभी इधर ऐसे होता रहा। फिर लेफ्ट की तरफ आके मतलब वो उसी में समा गया, मतलब बाद में दिखना बंद हो गया, लेकिन बहुत देर तक दिखता रहा। कितना आध्यात्मिक अनुभूति, यानी हम नहीं जानते ये सब क्या था, हमें अध्यात्म का भी कोई ज्ञान नहीं था। कि जो जैसे आज की इसमें बात भी आई थी कि भगवान कृष्ण जो है अतिमानसिक प्रकाश और अधिमानसिक प्रकाश वाली जो बात आई थी, ये सब हम नहीं जानते, लेकिन हम जब देखते हैं ना ये प्रकाश तो लगता है कि हाँ कुछ है। तो बड़ा ही अच्छा लगा गुरु भाई। और जो जैसे कल गुरुदेव का अवतरण दिवस है हमारे भगवान का, तो पिछली बार भी हम घर पे ही थे सभी गुरु भाई बहन, मतलब उस समय पे पर्टिकुलर पे जब जैसे वहां लाइव होता है उस टाइम अगर हम ध्यान करते हैं गुरुदेव की तस्वीर का, तो बिल्कुल सेम जैसे अपन वहां बैठे हैं ना वही का वही ध्यान रखता है, बिल्कुल वो का वही की, मतलब बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं होता कि हम वहां नहीं है। मेरा तो ये व्यक्तिगत अनुभव है, और जो जा पाए वो लोग जाए तो बहुत अच्छा लगता है। और एक और अनुभूति गुरु भाई, मतलब क्या जैसे हम दोनों हस्बैंड वाइफ शिफ्ट ड्यूटी में है और मेरी बेटी छोटी है, तो मैं कब से मेट ढूंढ रही हूँ, मतलब ऐसे तो आ रही है लेकिन मेरी शिफ्ट के अकॉर्डिंग, जैसे मैं नाइट में बुलाऊं तो वो नाइट में भी आ जाए, तो मतलब ऐसे तो आ रही है, लेकिन आज जाके गुरु भाई वो आई है, मतलब मेरी जरूरत से ज्यादा अच्छी है, और कल वो मेरे घर आ जाएगी। मतलब गुरुदेव की व्यवस्था, मतलब ऐसे मिलती नहीं है, मॉर्निंग की मिल जाती नॉर्मली, लेकिन नाइट में जब जैसे हम बुलाए तो नाइट वाले एग्री नहीं होती है, तो वो अपने आप आ जाएगी और कल से आ जाएगी गुरु भाई। अपने आप नहीं आई है गुरु बहन, गुरुदेव भेजे हैं। हम लोग हमारे साथ भी ये सब घटना घटता है ना, तो हम लोग समझते हैं कि जैसे मैंने मेरा भी एक जगह कलकत्ता में रहता हूँ, तो वहाँ मेट का जरूरत था, कुक का जरूरत था, तो गुरुदेव बहुत दिन से नहीं मिला था, गुरुदेव को ध्यान में बोले एक दो दिन के अंदर में ऑटोमेटिक कुक अरेंज करके घर तक पहुंचा दिया गया, ठीक है उसको। मैं कुछ नहीं कर रहा, हम आप कुछ नहीं कर रहे, वो शक्ति कहाँ से किसको भेजना है, किसके माध्यम से भेजना है, एकदम लिंक करके भेज देती है। वो गुरुदेव का ही प्रताप है, जब हम लोग गुरुदेव को बोलते हैं तब उस तरह से घटना निर्माण करके गुरुदेव भेज देते हैं। गुरु भाई मतलब बिल्कुल भी, वो कहते हैं ना लोग जैसे आज वो छोटी बड़ी दिवाली भी है, पटाखे फोड़ रहे लोग, दीपक जला रहे हैं, तो मेरे साथ वाले मतलब मेरे जो साथी उन्होंने बोला उनको पता है ये कुछ नहीं करती, तो बोले आप तो दीपक जरूर जलाना, सारे भगवान के दीपक जलाना घर जाके, मुझे ऐसे हमने देखा है, उसे पहचान के देखिए आप, उनके शरण में जाके देखिए भगवान क्या है, ये है भगवान, मतलब प्रत्युत्तर देते हैं उसी दिन। और yes. जो ये प्रकाश जो दिखता है कि मतलब किसने देखा, ईश्वर का स्वरूप तो एक प्रकाश ही है ना। yes. जो हम बाहर जो देखते आए वो तो अवतार हुए हैं, लेकिन जो रियल में जो ईश्वर है वो एक करोड़ों सूर्य से भी अधिक प्रकाश ऊर्जा का पुंज है,
तो वो प्रकाश गुरुदेव हमें उसका कुछ कुछ हिस्सा दिखाते हैं। तो बड़ा ही दिव्य है गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। प्रकाश अध्यात्म के क्षेत्र में प्रकाश दिखाई देना ही बड़ा दिव्य अनुभूति है। मेरे को भी जब आंख बंद होता है फिर दोनों उंगलियां ऐसे आंखों पर चढ़ जाती है, चढ़ने के बाद यहाँ पर पीला रंग का प्रकाश दिखाई देता है और प्रकाश में बहुत सारा डिफरेंट कलर्स दिखाई देता है और प्रकाश ऐसा है आनंददायक प्रकाश है, प्रकाश में आनंद होता है, बहुत अच्छा लगता है वो प्रकाश में। गुरु भाई एक बात और साझा करूंगी, जैसे कि मुझे है ना आपको योग नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन वो शक्ति का एहसास मुझे हर समय होता है। जैसे मैं बैठी हूँ कुछ काम भी कर रही हूँ ना, तो वो सरसराहट तो मुझे हर समय फील होती है, जैसे टक टक जैसे छोटी छोटी लकड़ियां तोड़ते हैं ना ऐसे सिर से आवाज आना, मतलब चलता रहता है कुछ न कुछ अंदर। तो ये गुरुदेव की असीम कृपा है, इनसे बड़ी शक्ति तो संसार में है ही नहीं, यही कल के अवतार है, यही भगवान है कलयुग के। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। चलिए बुद्धि प्रकाश जी गुरु भाई ने हैंड रेस किया, गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव। गुरु भाई जय गुरुदेव। पहले तो जो है जो ये बता रही हैं उसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा। गुरु भाई जो बाई वाला इश्यू है ना मेड वाला, तो आप ये देखिए कि कल ही मुझे दो दिन के लिए मतलब इलेक्शन ड्यूटी में जाना है ना, और मतलब व्यवस्था देखिए आप, ये जो है ना मेन मेड मतलब व्यवस्था नहीं है, आप ये समझिए कि जिसके लिए हम इतने दिनों से प्रयास कर रहे थे, मतलब हमने कई मतलब वो ये किए लेकिन नहीं हुआ। और कल ऐसा था कि मतलब अगर मान लीजिए गुरुदेव ये व्यवस्था नहीं करते ना, तो कल हमारे यहाँ रहने वाला कोई नहीं था, है ना, मतलब हमारी बच्ची के साथ रहने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि भाई मेरे आ नहीं रही है कई दिनों से, तो सब करने वाले गुरुदेव है गुरु भाई। दूसरी बात जो शांति जी गुरुबहन जो जिज्ञासा रखी थी, एग्जैक्टली वो तो नहीं लेकिन उससे रिलेटेड एक अनुभव जो है, मैं कोटा के हमारे गुरु भाई है उन्होंने साझा किया था एक बार, तो मैंने मेरे को वो ध्यान आ रहा है गुरु भाई। उनका क्या था कि उनके पिताजी का जो है वो यंग एज में मर्डर हुआ था, है ना, तो उनके पिताजी उनकी माँ को मतलब जैसे साक्षात ऐसे कोई दिखता है अपने आमने सामने होते हैं ना, उस तरह से दिखते थे, उस तरह से दिखते थे, तो उनको बड़ी पीड़ा होती थी, है ना। तो गुरु भाई उन्होंने गुरुदेव से प्रार्थना की होगी, तो एक बार वो ध्यान कर रहे थे, तो ध्यान में गुरुदेव उनके पिताजी का हाथ पकड़ के और उनके सामने मतलब लाए एक तरह से ध्यान के दौरान। तो मतलब वो जो गुरु भाई थे उन्होंने उनके पिताजी से कहा कि मतलब हमारी भाषा में कहा लेकिन उनसे ये कहा कि आप कैसे बोला, फिर गुरुदेव के लिए उन्होंने बोला कि ये नहीं माने इसलिए आना पड़ा, मतलब उनके पिताजी ने उनको जवाब दिया कि ये नहीं माने गुरुदेव नहीं माने इसलिए आना पड़ा गुरु भाई। उसके बाद जैसा गुरु भाई ने साझा किया, ना तो उनकी माँ को उनके पिताजी वापस दिखे और ना उनको दिखे, और ये समझिए कि उनकी मुक्ति हो गई। तो जहां तक जो देखो गुरुदेव के दर्शन में गुरु भाई क्या है, किसी भी चीज का अनुमान लगाना या वो ये मतलब केवल अपन उन्होंने ये बात रखी है इसलिए अपन ये बात रख रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली उसका अर्थ गुरुदेव ही जानते हैं। और गुरुदेव मतलब अपने को हर चीज के लिए गुरुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि अपना कनेक्शन सीधा गुरुदेव से होना चाहिए, ना एक्स वाई जेड अपने को कुछ भी नहीं समझा सकता, और अपनी साधना पूरी की पूरी गुरुदेव ओरिएंटेड है, है ना, जो कुछ जानते हैं गुरुदेव जानते हैं, जो करते हैं गुरुदेव करते हैं। जय गुरुदेव। गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। गोपीनाथ गुरु भाई ने हैंड रेस किया है, गोपीनाथ गुरु भाई का स्वागत है। जय गुरुदेव। गोपीनाथ बैरागी गुरु भाई ने हैंड रेस किया था। जय गुरुदेव। गुरु भाई जय गुरुदेव। सुनाई दे रहा है गुरु भाई? हाँ आ रही है आवाज। अच्छा सुनाई दे रहा है? मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? आ रही है। जय गुरुदेव। हाँ बोलिए गुरु भाई। ये है मतलब गुरुदेव से जुड़ने से पहले मेरा लाइफ में प्रॉब्लम बहुत आते थे, मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्व किया तो दो आ गया, दो आया तो तीन आ गया, और कोई भी काम आसानी से नहीं होता था बिना रुकावट का, मतलब आसान से काम सबका हो रहा है और मेरा रुक रहा है, मतलब चैनल में रुक रहा है, जैसे तीन ऑफिसर के पास जाना है एक में ही जाके रुक गया, आगे बढ़ा ही नहीं। हेलो जी। हेलो। हाँ बोलिए। गुरुदेव के जोड़ने के बाद गुरु भाई मतलब बहुत आसान हो गया लाइफ, मतलब तो आज का मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, है ना। हेलो। हाँ बोलिए। तो मतलब हम दूसरा डिस्ट्रिक्ट में आए थे, हमारा साथ में मेरा फैमिली थे और मेरा फादर इन लॉ थे, है? तो उनको अचानक मतलब थोड़ा अटैक सा आ गया, थोड़ा मतलब हाई ब्लड प्रेशर था और वॉमिटिंग भी कर रहे थे, है ना। हेलो।
हाँ बोलते रहिए गुरु भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब गुरुदेव का देखिए सेटिंग देखिए, इधर मतलब हम इधर एक छोटा सा हॉस्पिटल है, उधर गए तो डॉक्टर बहुत हेल्पफुल था, और मेरा उनका उधर जो नर्सिंग इंचार्ज थे वो मेरा मिसेस का जान पहचान वाला मिल गया उधर। तो उधर जो मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, हम शाम को गए, जाने के बाद मतलब वो डॉक्टर ने फिर देखा मतलब तो अच्छा से हो गया। मतलब हम जो आए थे इधर गांव है, इधर डॉक्टर वगैरह का कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर का हॉस्पिटल जो है बिल्कुल नजदीक था। मतलब हम गए उधर, अच्छे डॉक्टर भी मिल गए, नर्सेस भी मिल गए, और वो लोग अच्छे से अटेंड भी किया था। नॉर्मली क्या होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत लाइन लगाना पड़ता है, मतलब बंदा कम तोड़ देता है तब डॉक्टर आता है, ऐसा हालत है। लेकिन हमें बहुत अच्छा सिचुएशन मिल गया, मतलब गुरुदेव ऐसे काम निकाल देते। लाइफ में प्रॉब्लम तो आता है, हम आए थे इधर कोई फेस्टिवल अटेंड करने के लिए और इधर आके घर वालों का प्रॉब्लम हो गया। मतलब पहले जैसे मेरे साथ होता था, लेकिन पहले होता था क्या, मतलब बहुत भाग दौड़ करना पड़ता था ऐसा था। जय गुरुदेव, जय आदा गुरुदेव। गुरुदेव पल पल साथ रहते हैं, सब चीज का इंतजाम कर देते हैं, कहाँ ले जाना है, कहाँ क्या करना है, सब गुरुदेव कराते हैं। आप प्रेम से गुरुदेव के शिष्य बने रहें, हम सब गुरुदेव कृपा करते रहते हैं। जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई ने हैंड रेस किया, उनको भी ले लेते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरु भाई, जय गुरुदेव सबको, जय गुरुदेव। गुरु भाई मैं भी आप ही की बात में ना, इन सब भाई बहनों की बातों में एक बात जोड़ना चाह रहा हूँ। एक बार मैंने गुरु भक्त का, एक गुरु भाई का वीडियो देखा था, तो इतनी अच्छी बात कही उन्होंने कि मेरे को बहुत प्रभावित करा, आज तक भी प्रेरणा मिलती है। वो गुरु भाई जो थे लगभग 50 साल के थे, तो वो कहने लगे कि जब तक गुरुदेव नहीं आए थे जीवन में, तब तक हम जो है संसार के प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनाने की कोशिश करते थे कि इनसे बना के रखो, ये मुसीबत में काम आएंगे। और कह लगे गुरुदेव जब से आए हैं ना, अब ये भाव ही खत्म हो गया, अब ये भाव मन में खत्म ही हो गया बिल्कुल, कि किसी से बना के रखो, प्रभावशाली लोगों से, बड़े लोगों से बना के रखो। तो मैंने कहा यार देखो कितनी अद्भुत बात कही है इन्होंने, और वास्तव में ये भाव आते हैं। खुद मेरे मन में भी अब यही भाव आते हैं कि अब किसी से जरूरत ही नहीं, अब किसी संसार के प्रभावशाली पावरफुल लोगों से बना के रखने की, अब तो बस यही है कि गुरुदेव से बना के रखो, गुरुदेव की शरण में रहो, और गुरुदेव से जो नाम जप करते रहो, प्रार्थना करते रहो, ध्यान करते रहो, बस गुरुदेव की शरण में रहेंगे तो गुरुदेव सब संभाल लेंगे। और गुरुदेव से बस यही प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव अपनी शरण में रखना, बस अपनी शरण में रखना, और सघन नाम जप करवाते रहना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय आदा गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई ने सबके मन की बातें बोली है। हम लोग भी गुरुदेव से जुड़ने के बाद समझ में आ गया है कि परमात्मा साथ में अगर कुछ बोलना है तो इन्हीं को बोलना है, और उन्हीं को बोलने से सब काम होते हैं। मेरा तो बड़ा बड़ा काम खाली ध्यान में केवल गुरुदेव को बोल देने से, बड़े बड़े प्रशासन के ऊपर जो बैठे हैं उनके मन में शरीर में घुस के गुरुदेव काम करवा देते हैं, ठीक है, मेरे को बोलना भी नहीं पड़ता है। मेरा बड़ा बड़ा दिव्य अनुभूति है सब, बहुत सारा बड़ा बड़ा काम पहले, फिर मेरा जॉब ट्रांसफरेबल जॉब है, तो पहले ट्रांसफर के लिए फेवरेबल जगह में पोस्टिंग के लिए बोलना पड़ता है, रिक्वेस्ट करेंगे। अभी किसी को रिक्वेस्ट नहीं करना है, गुरुदेव है बहुत है, आप गुरुदेव जहाँ भेजाएंगे बस ध्यान में एक बार बोल देना है, गुरुदेव आप जहाँ ले जाना है ले जाइए, आप देखिए बस, ठीक है, और किसी को बोलने का भी नहीं है, गुरुदेव जहाँ भेजे हम लोग चल रहे हैं। क्योंकि गुरुदेव जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे, इतना विश्वास है। और किसी को कुछ भी काम के लिए किसी को कुछ नहीं बोलना है, केवल गुरुदेव, ध्यान में गुरुदेव को बोल देना है, और ध्यान में गुरुदेव सुनते हैं, परम सत्ता ध्यान में एकदम बातें सुनते हैं और उनका रिजल्ट देता है, एकदम प्रैक्टिकल है। गोपीनाथ गुरु भाई का स्वागत है, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गोपीनाथ, जय गुरु, हाँ जय गुरुदेव गुरु भाई। आप जो ट्रांसफर वाला बात बोला तो मुझे मेरा अपनी मतलब अपना बात मेरे को याद आ गया गुरु भाई। हेलो, हाँ बोलिए, बोलते रहिए। गुरुदेव से जुड़ने से पहले गुरु भाई, मेरा मिसेस का पोस्टिंग रहा था इधर वेस्ट बंगाल में, मुर्शिदाबाद बोल के डिस्ट्रिक्ट है ना जी। हेलो,
और बच्चा इतना बीमार रहता था और मेरा मिसेस के साथ हमेशा फोन पे लड़ाई होते रहते थे फाइनेंशियल तंग को लेके, है ना। हेलो जी जी, हेलो, बोलिए मतलब ये बहुत बड़ा मिराकल होता है गुरु भाई, है ना। जो नॉर्मली क्या होता है, जो बंगाल का लोग उनको कश्मीर भेजा जाता है, कश्मीर वालों को बंगाल में भेजा जाता है, ऐसा किया जाता है। और मैं बंगाली होके मेरे को आसानी से पोस्टिंग मिल गया बिल्कुल। मैं मतलब मैं आना भी नहीं चाहता था, तो मेरा जो बॉस थे बंगाली थे, बोला नहीं भाई मैं हूँ, मैं तुमको बोल रहा हूँ, तुम जाओ। जय गुरुदेव। गुरु भाई हेलो। जय गुरुदेव खुद लेटर बनाए, वो कोई फॉलोअर किया और मेरे को कोलकाता भेज दिया, मेरा मिसेस को घर के नजदीक हो गया और हम अभी गुरुदेव के कृपा से एक साथ ही रहते हैं अभी। और फिर मैं जब दूसरा नौकरी ज्वाइन किया तो मेरा जो जोन था गुरु भाई, हेलो, हाँ बोलिए गुरु भाई, तो मेरा जो होम डिस्ट्रिक्ट वो जोन में ही नहीं आता था गुरु भाई। तो मैं मतलब गुरुदेव का चमत्कार देखिए, कुछ दिन के अंदर मतलब दो तीन एक महीना हुआ तो डिक्लेयर हो गया जो मैं जहाँ पे पोस्टेड हुआ, और मेरा होम डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक एक्स्ट्रा जोन बनाया जा रहा है। हेलो, चलिए, मतलब जहाँ पे मैं हूँ और मेरा होम डिस्ट्रिक्ट को एक मतलब मैं आसानी से उधर जा सकता हूँ, मतलब उधर घूम सकता हूँ। तो गुरुदेव खाली मेरे लिए नया जोन बनवा, मतलब दूसरा डिस्ट्रिक्ट को कटवा के मेरा डिस्ट्रिक्ट के साथ मिला के उसको जोन बना दिया। कितना मतलब ये सेशन में जो हमारा मम्मी पापा तो हमसे प्यार करते हैं लेकिन उनका कुछ औकात नहीं है हमारा कुछ लाइफ में चेंजेस लाने के लिए, मैं बोला था ये बात। तो उनके पास प्यार भी, उनके पास जी। गुरु भाई आपकी बातें थोड़ी सी कट रही है लेकिन हम लोगों को पूर्ण अच्छी तरह समझ में आ गया है। गुरुदेव जब हमको अपना बच्चा समझ के प्यार करते हैं तो पूरा पावर भी इस्तेमाल करते हैं, हम लोगों को खुश रखने के लिए हम लोगों के आराम की व्यवस्था करते हैं। बस गुरुदेव हम सबको अपना बच्चा समझे कि मेरा छोटा सा बच्चा है, तो उसके लिए फिर गुरुदेव सब कुछ करते हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। चलिए, सेशन बड़ा सुंदर रहा हिंगू जी, सेशन का प्रयास समय भी हो चला है। हिंगू जी गुरु भाई से अनुरोध है कृपया मंच पर आए और सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। हिंगू जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को, गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव।